महोबा जिले के जैतपुर ब्लॉक स्थित बेलाताल कस्बे के नयापुरा मोहल्ले में पिछले 3 सालों से बिजली के खंभों में करंट उतर रहा है। 7 जुलाई को एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। उस वक्त विद्युत विभाग ने जांच कराने की बात कही थी। ये जानने हम दोबारा उस मोहल्ले गए तो अब तक न जांच हुई न मृतक के परिजनों को मुआवजा मिला। ये तो वो लड़का दोनों राम घटना घटी है, वहाँ की बात है। आपकी कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पर, न बिजली वाले आए न कोई अधिकारी नहीं आया। अभी तक इन लोग के बच्चों के पास कोई आया नहीं है। मीडिया से दिखाने से क्या फायदा है, वो लोग भी तो आए ना, उन लोग की हालत पे तरस खाए देखें। ये जवान लड़का गया तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना इन लोग को। इस करंट की वजह से बरसात के मौसम में कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, लेकिन विद्युत विभाग अब भी जांच कराने की ही बात कर रहे हैं। ये तार हैं जो नंगे, इन तारों में वो डालना चाहिए प्लास्टिक वाली सटक, जो सटक से करंट नहीं महसूस होता है, कोई भी पकड़ सकता है फिर। और जब ये नंगा है तो ये तो दौड़ के खाएगा उसको, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। तो ये जो अब नीचे वाला तार है इसमें क्या अभी बचाव आया है, किस तरह का वो? अभी तो किसी ने छुआ नहीं है, डर की वजह से किसी ने छुआ। लेकिन फिर भी इसमें अर्थ आ सकता है, इसलिए तो पानी बरसेगा, पानी तार से सीधा आएगा, वहाँ से तार से करंट आएगा, एंगल में एंगल है बना है तार, नीचे करंट आएगा, इस गली में पानी आएगा तो पकड़ेगा इस खम्भे में। इसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अभी उधर से ज्वाइन हो गया तो इसमें आ सकता है, इधर बच्चे लोग खेल रहे हैं, ये भी खम्मा भी गलत है, तार भी गलत है, सब कुछ गलत है, लाइट भी गलत है, लाइट भी नहीं है, फालतू का बिल ले रहे। क्या चीनीपुर की गलियों से काम चलेगा? यहाँ लोग बचेंगे? यहाँ आज भी लोग दहशत में है, यहाँ उस रास्ते से निकलने में मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर पिछली कई घटनाएं हुई हैं, पर फिर भी बिजली विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। एक तो पहली बात तो यहाँ पर जो सपोर्टर तार है उसमें तो करंट ही आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटना हुई है। क्या अभी भी सरकार क्या सोचती है कि किस तरह से हमें ये यहाँ की इंतजाम करना चाहिए? लेकिन कुछ भी हो जाए सरकार को तो यही है कि लापरवाही है, बिजली विभाग बिल्कुल लापरवाह है, जहाँ पर उसको कोई ध्यान नहीं है कि क्या क्या है क्या नहीं है।